फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई तुम्हार द्वार के इस वीडियो में। मैं हूं अवनी साव और इस वीडियो में आपसे बातें करूंगा मेजरेबल स्पेस की। फ्रेंड्स, मेजर एंड इंटीग्रेशन के अंतर्गत हमने पिछले सेमेस्टर में लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने रियल नंबर सिस्टम में मेजरेबल सेट्स, जिसे हमने लेबेग मेजरेबल सेट्स कहा था, इंट्रोड्यूस किया था, और इस लेबेग मेजरेबल सेट्स के क्लास में लेबेग मेजर कंस्ट्रक्ट किया था। हमने लेबेग मेजर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ा और साथ ही साथ लेबेग मेजर के इस फाउंडेशन के ऊपर हमने लेबेग इंटीग्रेशन डिफाइन किया। हमने देखा कि लेबेग इंटीग्रेशन ने रीमान इंटीग्रेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स को दूर किया और इसका कितना एप्लीकेशन हमारे इंटीग्रेशन थ्योरी में है, ये हम जानते हैं। हम इस वीडियो में लेबेग थ्योरी ऑफ मेजरेबिलिटी को जनरलाइज करेंगे। हम यहाँ पर किसी आर्बिट्रेरी सेट x में, रियल नंबर सिस्टम की जगह किसी आर्बिट्रेरी सेट x में मेजरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और इस मेजरेबल स्पेस के लिए मेजर डिफाइन करेंगे। मेजर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम मेजर के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स भी इस्टेब्लिश करेंगे। इन सब के पहले क्यों ना हम पिछले चैप्टर से जो चीजें हमने पढ़ रखे हैं उनको रिकॉल कर लें, जिनकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं लेबेग आउटर मेजर से। लेबेग आउटर मेजर किसी भी सबसेट ई के लिए, जो कि आर का एक सबसेट है, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसे हम एम स्टार ई से डिनोट करेंगे। एम स्टार ई इज इन्फिमम ऑफ ऑल दी सम्स, समेशन एल आई आई, वेयर इन्फिमम इज टेकन ओवर ऑल द काउंटेबल कलेक्शन आई आई ऑफ इंटरवल्स विच कवर्स ई, दैट मीन्स ई इज कॉन्टेंड इन यूनियन आई आई। हम ई के जितने भी कवर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ मिलेगी समेशन एल आई आई, इनकी इन्फिमम वैल्यू को ई का आउटर मेजर कह रहे हैं। आउटर मेजर के कुछ पॉइंट्स जो हमें आगे याद रखने हैं वो यहां हमने लिस्ट कर रखे हैं। वन, एम स्टार इज डिफाइंड फॉर ऑल द सबसेट्स ऑफ आर एंड इट इज ए एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स एम स्टार मैच पावर सेट ऑफ आर इंटू आर स्टार, एंड सो एम स्टार ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन आर इक्वल टू इंफिनिटी। नेक्स्ट, एम स्टार फाई इज जीरो इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ बी, देन एम स्टार ए लेस देन आर इक्वल टू एम स्टार बी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ आर। नेक्स्ट, एम स्टार ए इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी काउंटेबल सेट ए, एंड एम स्टार आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एम स्टार आई, बट बिफोर दैट एम स्टार आई इज लेंथ ऑफ आई वेयर आई इज एन इंटरवल, एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन इन वेरियंट एम स्टार आई प्लस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एम स्टार ए, एंड द लास्ट countable subadditivity, you know very well, m star union en is less than or equal to summation m star en, where en is a countable collection of sets in R. These are all the key points for outer measure. Lebesgue outer measure के बाद अब हम Lebesgue measurability को देखते हैं। हम recall करें Lebesgue measurable set, a set E is said to be Lebesgue measurable set if for any set A, which we call a test set, we have M star A is equal to M star A intersection E plus M star A intersection EC. Here we consider A a test set. This equality shows that the set E, the given set E, divides this test set A into two mutually disjoint parts, A intersection E and A intersection EC, in such a manner that outer measure of these two parts, sum of outer measure of these two parts is equal to the outer measure of the
होल सेट ए। ये सेट ई को हम मेजरेबल सेट कह रहे हैं। याद रखिए ये हम बात कर रहे हैं आर में लेबेग मेजरेबल सबसेट की। लेबेग मेजरेबल सेट के कुछ प्रॉपर्टीज को भी यहाँ हमने लिस्ट किया है जो जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ हमने लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए सेट ई इज मेजरेबल देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ई सी इज ऑल्सो मेजरेबल। यदि कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट होगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द नल सेट फाई एंड द होल सेट आर आर ऑल्सो लेबेग मेजरेबल सेट्स। एंड थर्ड वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, A set A will be measurable if its outer measure n star A is 0. That means a set of outer measure 0 is a measurable set. Furthermore, any subset of a set of outer measure 0 is measurable. Remember that a subset of a measurable set is not always measurable, but if a set is of outer measure 0, then its every subset will be Lebesgue measurable. The next one is union of two measurable sets is also measurable. If E1 and E2 are two measurable sets, then their union E1 union E2 is also measurable. And the last one, the countable union of any countable union of measurable sets is again a measurable set. And at the last, we also recall this notation rounded M. Rounded M stands for the collection of all Lebesgue measurable sets in R. R के सारे Lebesgue measurable sets को हम rounded M से denote करेंगे। आइए अब हम algebra of sets और sigma algebra of sets की बातें कर लें। पहले algebra of sets देखें। यदि कोई set S दिया गया है, तो S के subsets का कोई collection जिसे हम यहाँ राउंडेड ए से डिनोट कर रहे हैं एक एल्जेब्रा कहलाएगा। वी कॉल द सेट राउंडेड ए कलेक्शन राउंडेड ए रादर विच इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एस। दिस कलेक्शन राउंडेड ए इज सेड टू बी एन एल्जेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एस इफ इट सेटिस्फाइज दिस थ्री कंडीशंस ए फाई द नल सेट एंड the whole set S are in this collection, means phi and S belongs to rounded A, B. If A belongs to rounded A, then its complement AC also belongs to rounded A. C, if A and B are two members in this collection rounded A, then their union A union B is also a member of rounded A. This condition C can be generalized into finite collection also. Means if we consider A1, A2, dot 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 AN a finite number of members of rounded A, then their union AI, I from 1 to N also belongs to rounded A. That means we mentioned here in this note, in algebra, rounded A is closed under finite union. And by De Morgan's law, the condition C can also be written as if A and B are any two members in rounded A, then their intersection A intersection B is also in rounded A, and therefore rounded A is closed under finite intersection also. Algebra ke baad aaiye sigma algebra bhi jaan le, kyunki hum measurable space mein is term sigma algebra ko bahut zyada refer karne wale hain. What is a sigma algebra? Sigma algebra of subsets of a set. See here, we have denoted this sigma algebra by the letter rounded B, a collection rounded B of subsets of any set S is said to be a sigma algebra of subsets of the set S if it satisfies these three conditions: A, phi and S belongs to rounded B. B, A belongs to rounded B implies its complement AC belongs to rounded B. C, if AI is a collection, countable collection of
members of rounded B, then their union, union AI, I from 1 to infinity, AI belongs to rounded B. That means rounded B is closed under countable union. Here, remember that if AIs are members of rounded A, then union of AI also belongs to rounded A, and this implies by using De Morgan's law, their intersection, that means intersection AI, I from 1 to infinity, also belongs to rounded B. That means rounded B is also closed under countable intersection. Remember that the class rounded M, which we know that it is a collection of all Lebesgue measurable subsets of R, this forms a sigma algebra of subsets of R. I repeat again, the class rounded N is an example of sigma algebra of subsets of the set R. आइए अब हम recall करें Lebesgue measure को. आपको याद होगा Lebesgue outer measure M star हमने define किया था, जो कि एक set function था power set of R से R star में, यानी एक extended real valued function M star था जो power set of R में define था. परंतु M star जो Lebesgue outer measure था, उसका एक बहुत बड़ा drawback था कि वह countably additive नहीं था. आपको याद होगा हमने M star के लिए countable subadditivity की बात की थी. अब यदि हम इस Lebesgue outer measure M star के domain rounded PR को, यानी domain power set of R को restrict करें rounded M में, जहां rounded M आपको मालूम है Lebesgue measurable sets का class है, तो ये जो M star का restriction होगा, restriction of M star to the class rounded M, ये जो है, ये जो नया set function होगा, ये हम Lebesgue measure कहेंगे इसे हम, और इसे हम M से denote करेंगे. That means the Lebesgue measure M is a set function from rounded M to R star, which is obtained by restricting the domain PR of M star to the class rounded M. So it is a set function from rounded M to R star, such that M E is equal to M star E for all E belonging to rounded M. Yani jo measurable sets hain, jo Lebesgue measurable sets hain E, unke liye Lebesgue measure yani M E ki value वही होगी जो उसका आउटर मेजर था. एम ई इज इक्वल टू एम स्टार ई फॉर ऑल ई इन राउंडेड एम. नाउ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ एम. इफ यू नाउ सी दिस मेजर, Lebesgue मेजर, देन इट विल सेटिस्फाई दिस काउंटेबल एडिटिविटी. दैट मीन्स इफ ई आई इज ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ disjoint measurable sets in R, then M union EI is equal to summation M EI. यानी इस countable union का जो measure है, इनके अलग-अलग measure के sum के बराबर है. M union EI is equal to sigma M EI. तो ये बात हमने Lebesgue measure की. याद रखिए, Lebesgue measure set R में defined है, और इसका डोमेन क्लास राउंडेड एम है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है Lebesgue मेजरेबिलिटी का और Lebesgue मेजर का, इसी को हम जनरलाइज करेंगे किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के लिए, किसी आर्बिट्ररी सेट एक्स के लिए. और एक्स के लिए जब हम कोई मेजरेबल सेट्स का क्लास डिफाइन करेंगे, तो वो सेट एक्स एक मेजरेबल स्पेस होगा. और यदि इस मेजरेबल स्पेस में हम इस तरीके का कोई मेजर डिफाइन कर पाए, तो वह मेजरेबल स्पेस एक मेजर स्पेस में बदल जाएगा. इसी मेजर स्पेस पर हम आगे बातें करेंगे विस्तार से. हम मेजर के डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे और मेजर्स पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज को भी देखने वाले हैं इस लेक्चर में. आइए देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट डेफिनेशन.
a measurable space. What is a measurable space? Let X be any non-empty set. A sigma algebra denoted by rounded B is said to be a class of measurable sets in X, and the set X together with this sigma algebra rounded B is known as a measurable space. Notation: we denote this measurable space by the pair X comma rounded B. Remember that any set X equipped with a sigma algebra rounded B of subsets of X is a measurable space. Earlier we know what is a sigma algebra. Here rounded B is a sigma algebra of subsets of X. So if we can have a sigma algebra of subsets of X, then X will be a measurable space with respect to this sigma algebra rounded B. If E is any member of rounded B, then E is a measurable set in X. यदि rounded B class of measurable sets है X के लिए और E rounded B का कोई member है, तो E X में एक measurable set होगा. याद रखिए rounded B चूंकि एक sigma algebra है, इसलिए sigma algebra के तीनों axioms को satisfy करेगा. पहला axiom, यदि rounded B X के लिए एक sigma algebra है, X के subsets का एक sigma algebra है, तो उसके पहले axiom के अनुसार phi और X rounded B के member होंगे, यानी phi और X measurable sets होंगे. दूसरा second axiom B, E अगर rounded B का member है, तो E का complement EC भी rounded B का member होगा, यानी E अगर एक measurable set है, तो उसका complement EC भी एक measurable set होगा. And third one, if EI is a countable collection of members of rounded B, then their union EI is also a member of rounded B. या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर EI X में measurable sets का एक countable collection है, तो उनका union EI भी measurable होगा. Measure space. In order to define a measure space, we have to find a measure on a measurable space. हम किसी measurable space के लिए measure introduce कर रहे हैं. मान लीजिए X rounded B एक measurable space है. Let X rounded B be a measurable space. A set function mu from rounded B into R star is said to be a measure on the space X rounded B if it satisfies the following three axioms. यहाँ mu एक set function है rounded B से R star में. That means mu is defined on the class rounded B and it is an extended real valued set function. So an extended real valued set function mu defined on rounded B is called a measure on X rounded B if it satisfies these three axioms. 1. Mu phi is 0. 2. Mu e greater than or equal to 0 for all e belonging to rounded B. Yani sare
मेजरेबल सेट्स ई के लिए म्यू की वैल्यू म्यू ई नॉन नेगेटिव होगी, म्यू ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. एंड थर्ड वन, म्यू यूनियन ई आई इज इक्वल टू सिग्मा म्यू ई आई. हियर ई आई इज ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स इन एक्स. दैट मीन्स ई आई बिलोंग्स टू राउंडेड बी विथ ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाइव फॉर आई नॉट इक्वल टू जे. इस प्रॉपर्टी को हम काउंटेबल एडिटिविटी कहते हैं. तो याद रखिए यहाँ पर म्यू यूनियन ई आई आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू ई आई के बराबर है, जहाँ ई आई मेजरेबल सेट्स का एक काउंटेबल कलेक्शन है, डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का एक काउंटेबल कलेक्शन है. यदि म्यू एक्स राउंडेड बी के लिए एक मेजर है तो एक्स राउंडेड बी मेजरेबल स्पेस एक्स राउंडेड बी को म्यू के साथ हम एक मेजर स्पेस कहेंगे. द मेजरेबल स्पेस एक्स राउंडेड बी टुगेदर विथ दिस सेट फंक्शन म्यू, दिस मेजर म्यू इज नोन एज ए मेजर स्पेस एंड इट विल बी डिनोटेड बाय द ट्रिपल एक्स कॉमा राउंडेड बी कॉमा म्यू. इस मेजर स्पेस को हम डिनोट करेंगे एक्स राउंडेड बी म्यू से. लेट अस सी एग्जांपल्स ऑन मेजर स्पेस. हियर वी टेक सम स्टैंडर्ड मेजर स्पेस. वी स्टार्ट विद द एग्जांपल एग्जांपल वन आर राउंडेड एम एम. आप इसे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस जैसा समझ सकते हैं. यहाँ R यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राउंडेड M हियर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लेबेग मेजरेबल सबसेट्स ऑफ R एंड M इज द लेबेग मेजर डिफाइंड ऑन राउंडेड M. दिस इज a measure space. We know that the class rounded M of all Lebesgue measurable subsets of R forms a sigma algebra of subsets of R. Therefore, R together with rounded M will be a measurable space. हमने introduction में भी ये बात की थी कि class rounded M forms a सिग्मा एलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ आर. तो यह एक मेजरेबल स्पेस फॉर्म कर रहा है आर टुगेदर विथ राउंडेड एम. और इस मेजरेबल स्पेस में हम एक सेट फंक्शन एम जो कि लेबेग मेजर को डिनोट कर रहा है. हम जानते हैं लेबेग मेजर ये तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा जो हमने मेजर के लिए मेंशन किए हैं. फर्स्ट एम फाई इज ज़ीरो, सेकंड एम ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड थर्ड वन एम इज काउंटेबली एडिटिव. हमने इसे इंट्रोडक्शन में भी रिफर किया था. तो चूंकि लेबेग मेजर एम तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए एम एक मेज़र हुआ स्पेस आर राउंडेड एम के लिए. और इसलिए आर राउंडेड एम एम इज ए मेज़र स्पेस. कम टू द एग्जांपल नंबर टू. एक्स राउंडेड एम ज़ीरो एम ज़ीरो. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मेज़र स्पेस एंड it can be deduced from example number 1. Here we take x to be
the closed interval 0, 1, which will be a subset of R. X is the closed interval 0, 1. M0, rounded M0, is the class of all measurable subsets of X, Lebesgue measurable subsets of X. X yani closed interval 0, 1 ke sare measurable subsets, Lebesgue measurable subsets ke class ko yahan hum rounded M0 se denote kar rahe hain. And M0 is the restriction of M to the subset X of R. Maaf kijiye. Here M0 is the restriction of M to the subclass rounded M0 of rounded M. M0 yahan M ka restriction hai jab hum M ke domain rounded M ko restrict kar rahe hain. Is domain mein rounded M0 jo ki closed interval 0 1 mein sare Lebesgue measurable subsets ko denote kar raha hai. Hum aasani se dekh sakte hain ki yah M0 X ke liye ek sigma algebra hai aur ye jo M0 hai ye is space X rounded M0 ke liye ek measure hai. Measure ke teenon axioms ko satisfy karega jaisa example number 1 mein humne mention kiya tha. Isliye ye X rounded M0 M0 ek aur example hua measure space ka. See the third example, similar to example number 1. Third example is R rounded B M is a measure space where R is again the set of all real numbers. Rounded B denotes the set of all Borel sets in R. Remember that rounded B denotes the set of all Borel sets, or we also call it Borel measurable sets in R. Rounded B is class of all Borel sets in R, and M is the same, the Lebesgue measure. Lebesgue measure defined on the domain rounded B. We know that rounded B, the set of all Borel sets, the class of all Borel sets, is sigma algebra. You remember that the class of all Borel sets is the smallest sigma algebra containing the collection of all open sets. Because rounded B, the class of all Borel sets, forms a sigma algebra, the set R equipped with this rounded B will be a measurable space. And on the domain rounded B, if we take the Lebesgue measure M, then R rounded B M will be a measure space. So this is another example of measure space. The fourth one is another standard example, counting measure. Recall the counting measure. We here denote it by N, not M, N. So this is the fourth example, measure space R, comma power set of R, comma N, where R is the set of all real numbers. Rounded PR denotes the power set of R, means collection of all subsets of R, and N is here counting measure, which is defined as NE is equal to K if E is a finite subset of R having K elements. NE is equal to
के यदि ई आर का एक फाइनाइट सबसेट है जिसमें के एलिमेंट्स हैं, जबकि एन ई की वैल्यू इन्फिनिटी है यदि ई आर का एक इनफाइनाइट सबसेट है। तो हमने यहाँ एन को डोमेन पी आर में डिफाइन किया इस प्रकार से कि उसकी वैल्यू किसी आर के सबसेट ई पर या तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है यदि वह एक फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इट हैज़ द वैल्यू इन्फिनिटी इफ ई इज एन इनफाइनाइट सेट। एंड वी कैन ईजली वेरीफाई दैट दिस सेट फंक्शन एन डिफाइंड ऑन पावर सेट ऑफ आर, दिस इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ आर टू आर स्टार, एंड इट विल सेटिस्फाई ऑल द थ्री मेजर एक्सियम्स। वन, एन फाइव विल बी जीरो बिकॉज फाइव इज द एम्प्टी सेट, इट इज़ ए फाइनाइट सेट हैविंग जीरो एलिमेंट्स, सो एन फाइव विल बी जीरो। सेकेंड, एन ई विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि एन ई की वैल्यू या तो के है या इन्फिनिटी है, एंड इन ऑल केसेस इट हैज़ द वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। एंड फाइनली एन विल बी काउंटेबली एडिटिव, यू कैन चेक इट। यदि आप एक डिसजॉइंट कलेक्शन ले लें आर के सबसेट्स का, तो उनके यूनियन का जो काउंटिंग मेज़र होगा वो इनके अलग अलग मेज़र के सम के बराबर होगा। आप उदाहरण के लिए दो सेट्स ले लें, मान लीजिए ई वन में आर का आपने एक सबसेट लिया जिसमें दो एलिमेंट्स हैं वन एंड टू, और ई टू कोई दूसरा सबसेट ले लें मान लीजिए उसमें तीन एलिमेंट हैं थ्री फोर एंड फाइव, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हुए, तो उनका यूनियन होगा ई वन यूनियन ई टू वन टू थ्री फोर फाइव। अब इनके मेज़र चेक करिए, एन ई वन यूनियन ई टू, चूँकि ई वन यूनियन ई टू में एक दो तीन चार पाँच पाँच एलिमेंट होंगे, तो इसकी वैल्यू होगी एन ई वन यूनियन ई टू की फाइव। राइट हैंड साइड में ये बराबर होना चाहिए एन ई वन प्लस एन ई टू के, ई वन में दो एलिमेंट्स हैं तो एन ई वन की वैल्यू टू होगी, ई टू में तीन एलिमेंट हैं तो इस पर एन की वैल्यू एन ई टू थ्री के बराबर होगी, और टू प्लस थ्री यानी फाइव के बराबर हुआ। यानी हम चेक कर सकते हैं कोई दो फाइनाइट सेट्स के लिए ई वन और ई टू के लिए जो डिसजॉइंट हो, एन ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू एन ई वन प्लस एन ई टू। और इसी तरीके से हम काउंटेबल कलेक्शन के लिए जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, ये एडिटिविटी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसलिए एन आर पी आर के लिए एक मेज़र होगा, और तब आर पी आर एन एक एग्जांपल हुआ मेज़र स्पेस का। एग्जांपल नंबर फाइव, द मेज़र स्पेस एक्स राउंडेड बी म्यू, वेयर एक्स इज एनी अनकाउंटेबल सेट, राउंडेड बी इज ए कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर आइदर काउंटेबल और हुज कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। दैट मीन्स राउंडेड बी डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स E of X such that E is countable or EC complement of E is countable. We define set function mu as mu E is equal to 0 if E is countable, 1 if complement of E EC is countable. We can check that rounded B here is a sigma algebra of subsets of X, and mu, the set function defined on rounded B, will satisfy all the three axioms of measures. So
X rounded B mu will be a measure space. We revise the measure space given in example number 5 and introduce another example here in example number 6. Measure space X rounded B mu, where X is again an uncountable set. Rounded B is the sigma algebra of all those subsets of X which are either countable or uncountable, and the set function mu defined on rounded B as mu E is equal to 0 if E is countable, is infinity if E is uncountable. Definitely this will be a measure space. And at the last, example number 7, measure space X rounded B mu, where X is any set, any non-empty set, and rounded B is the collection of these two sets phi and X itself. That means rounded B is collection of these two improper subsets of X, phi and X. Remember that this rounded B will be a sigma algebra of subsets of X. A trivial example of sigma algebra of subsets of X. X is a non-empty set, and rounded B denotes the collection of these two sets, phi and X. Trivially, this rounded B is a sigma algebra of subsets of X. We define the set function mu on the domain rounded B as mu E is equal to 0 if E is equal to phi, and infinity if E is equal to X. That means mu phi is 0 and mu of capital X is equal to infinity. Remember that mu is defined on rounded B, and rounded B contains these two sets only, phi and X. You can verify that this is another example of measure space. आइए अब हम एक मेज़र को जो किसी मेज़रेबल स्पेस में डिफाइंड है क्लासिफाई कर लें. सबसे पहले देखें फाइनाइट मेज़र. व्हाट इज़ ए फाइनाइट मेज़र? ए मेज़र म्यू ऑन एनी मेज़रेबल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ फाइनाइट मेज़र इफ म्यू एक्स लेस देन इन्फिनिटी. यदि म्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट हो तब हम मेज़र म्यू को एक फाइनाइट मेज़र कहेंगे. सिग्मा फाइनाइट मेज़र. ए मेज़र म्यू ऑन एनी मेज़रेबल स्पेस एक्स राउंडेड बी इज सेड टू बी अ सिग्मा फाइनाइट मेज़र इफ एक्स इज यूनियन ऑफ एक्स एन, वेयर एक्स एन इज ए काउंटेबल collection of measurable sets in X, and each Xn is of finite measure. That means mu Xn less than infinity for each n belongs to capital N. किसी measure mu को हम sigma finite measure कह रहे हैं. यदि X हम union of Xn के form में लिख सकें, जहाँ एक्स एन काउंटेबल कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स का, जिसके प्रत्येक मेजरेबल सेट्स के इनके मेज़र फाइनाइट हैं. ईच म्यू एक्स एन इज लेस देन इन्फिनिटी. आइए अब हम फाइनाइट और सिग्मा फाइनाइट मेज़र्स के एग्जांपल्स भी देख लें. पहले फाइनाइट मेज़र्स के एग्जांपल्स देखें. हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं इनमें एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. पहले एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने मेज़र स्पेस एक्स राउंडेड एम
m लिया है जहाँ m लेबेग मेज़र है और x क्लोज इंटरवल 0-1 है। यहाँ देखिए मेज़र ऑफ x क्या है, लेबेग मेज़र ऑफ x दैट मीन्स लेबेग मेज़र ऑफ द इंटरवल 0-1। वी नो दैट लेबेग मेज़र ऑफ एनी इंटरवल इज इट्स लेंथ, सो लेबेग मेज़र ऑफ x विल बी लेबेग मेज़र ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल 0-1 एंड इट इज 1। सो लेबेग मेज़र ऑफ x इज 1 विच इज लेस देन इन्फिनिटी, एंड सो दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट मेज़र। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 5, वट इज द मेज़र ऑफ कैपिटल x? सी हियर म्यू ई इज डिफाइंड एज 0 or 1, म्यू ई इज 0 इफ ई इज ए काउंटेबल सेट एंड इट इज 1 इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज काउंटेबल। सो वट विल बी द मेज़र ऑफ x हियर? सिंस x इज अनकाउंटेबल बट इट्स कॉम्प्लीमेंट x c will be 5, a countable set, so its measure will be 1. Since mu x is 1 less than infinity, this measure is another example of finite measure. Now take examples of sigma finite measures. See these two examples. Example number 2, माफ कीजिए, example number 1 and example number 3. हमने यहाँ लिखा है example number 1 और 2, उसके बदले example number 1 और 3 देखिए। इन दोनों examples में देखिए लेबेग मेज़र दिए गए हैं R के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आर राउंडेड एम एम, हियर एम इज द लेबेग मेज़र। सी हियर म्यू आर इज इन्फिनिटी, माफ कीजिए, मेज़र ऑफ आर एम आर इज इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट ए फाइनाइट मेज़र। नाउ वी कैन राइट आर एज काउंटेबल यूनियन ऑफ these sets xn, where we can write xn as open interval minus n to n. Remember that the set R can be written as union of these intervals minus n comma n, that means minus 1 1 open interval minus 1 1 union open interval minus 2, 2, union minus 3, 3, and so on. This countable union gives you capital R. R is union of these intervals, countable union of these sets xn. And what is the measure of these xn? Here, xn are intervals, and so its length will be its measure. So measure of xn will be length of the interval minus n to n, and length of this interval is twice n, which is less than infinity for each n belongs to capital N. So measure of each xn is less than infinity. This shows that R is countable union of sets xn, which are sets of finite measures. Therefore, the measure in this example, example number 1, is an example of sigma finite measure. Remember that R is union of
countable union of these sets xn, which are intervals, and each xn is of finite measure. Therefore, the measure in this example 1 is a finite measure. Similarly, example number 3, which is again R rounded B M. Here M is the Lebesgue measure and rounded B is of course the class of all Borel measurable sets. In this example, again the Lebesgue measure M, as shown in example number 1, will be a sigma finite measure. Now see the example number 4. Example number 4 is an example of a measure which is not sigma finite. In example number 4, see the measure space R, power set of R, N, R comma power set of R comma N. Here the class of measurable sets is power set of R and the measure is counting measure, which is defined as N E is equal to K if E is a finite set having K elements, and is infinity if E is an infinite subset of R. Here we see that counting measure of R, capital R, because capital R is an infinite set, so by definition of counting measure, N R will be infinity. Now R, this set R cannot be written as countable union of sets of finite measure. How you show this? हम कैसे दिखाएंगे कि इस set R को हम finite measures वाले sets के countable union के form में नहीं लिख सकते. Let it possible, this R can be written as countable union of sets of finite measure. That means R is union of n xi, where each xi is measurable sets such that n xi is less than infinity. If R is union of these xi's, then since each xi are sets with finite measures, therefore these xi's will be finite sets by the definition of counting measure. Counting measure of a set E is k, a finite number, if E has k number of elements. So if we say n xi is finite, means xi is a finite set, it will have a finite number of elements. And if each xi is finite, that means countable, so their union xi will be again a countable set. But countable union of countable sets is again a countable set. So if R is union of these xi's, where each xi is set of finite measures, then R will be a countable set. But we know that this is not possible. R is an uncountable set. So this measure is not a sigma finite measure. So this is an example of measure which is not sigma finite. Similarly, see example number 6
and example number 7. In example number 6, the measure space is X rounded B mu, where mu E is either 0 or infinity. 0 is 0 if E is countable, and infinity if complement of E is countable. In this case, we see that mu of capital X is infinity, but X cannot be written as countable union of sets Xn of finite measure. X cannot be written as union of Xn where Xn is of finite measure. Remember that here sets of finite measures are sets with measure 0, and X is given uncountable sets. So X cannot be written as countable union of sets of finite measures. Similarly, in example number 7, the space is X rounded B mu, and the mu has the value again mu phi is 0 or mu and mu capital X is equal to infinity. These are two measurable sets in rounded B. Rounded B consists of phi and X itself. We are discussing example number 7. X rounded B mu. Rounded B has only two measurable sets, phi and X. Here mu phi is 0 and mu X is equal to infinity. Again, we can see that X cannot be written as union of sets of finite measure. Here, sets of finite measure is the set phi itself, which has the measure 0. So X cannot be written as union of sets of finite measures. So this is another example of measure which is not sigma finite. So these two measures, example number 6 and example number 7, are examples of measures which are not sigma finite. आइए अब हम बात करें सेमी फाइनाइट मेजर्स की. व्हाट इज ए सेमी फाइनाइट मेजर? ए मेजर म्यू इज सेड टू बी सेमी फाइनाइट इफ ईच सेट ऑफ इनफाइनाइट मेजर कॉन्टेन्स ए मेजरेबल सबसेट ऑफ आर्बिट्ररी लार्ज finite measure. Remember that a measure mu is semi-finite if each measurable subset of infinite measure will contain a subset, a measurable subset of arbitrary large finite measure. यदि प्रत्येक इनफाइनाइट मेजर वाला मेजरेबल सेट एक मेजरेबल सबसेट कॉन्टेन करता है, बल्कि कहें कि आर्बिट्रेरली लार्ज मेजर वाला मेजरेबल सबसेट कॉन्टेन करता है, यदि प्रत्येक इनफाइनाइट मेजर वाले सेट में हम बड़े से बड़े मेजर का कोई सबसेट कॉन्टेन करा पाए, यदि ऐसा है तो मेज़र म्यू सेमी फाइनाइट मेज़र होगा. देखिए थोड़ा ट्रिकी है, फिर से समझ लीजिए. कोई मेज़र म्यू सेमी फाइनाइट मेज़र होगा यदि प्रत्येक इनफाइनाइट मेज़र वाला सेट कॉन्टेन करेगा आर्बिट्रेरली लार्ज
फाइनाइट मेज़र वाला कोई सबसेट, आर्बिट्ररी लार्ज यानि बड़े से बड़े मेज़र जो आप चाहें वो इस इनफाइनाइट मेज़र वाले सेट में कंटेंट होना चाहिए, तब ये मेज़र सेमी फाइनाइट मेज़र होगा। ऑफ कोर्स सारे सिग्मा फाइनाइट मेज़र्स सेमी फाइनाइट भी होंगे, आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 जो लेबिग मेज़र का है आर में, ये एक सिग्मा फाइनाइट मेज़र है, तो यह सेमी फाइनाइट भी होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि यह सिग्मा फाइनाइट मेज़र है, हमने अभी बताया है कि आर को हम काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं xn के, जहां प्रत्येक xn फाइनाइट मेज़र्स का है। तो इस केस में आर के भीतर हम जितने बड़े से बड़े मेज़र का सेट कंटेंट कराना चाहें प्राप्त कर पाएंगे। आप देख लीजिए आर के भीतर बड़े से बड़े मेज़र वाला सेट हम देख सकते हैं। आर में हम कोई इंटरवल बना लें माइनस एन से एन, एन को बढ़ाइए, आपको ये जो सेट होगा इसका मेज़र आप जितना बड़ा लेना चाहें ले सकते हैं। तो सारे सिग्मा फाइनाइट मेज़र्स सेमी फाइनाइट मेज़र्स के एग्जांपल्स भी होंगे। साथ ही देखिए जो एग्जांपल नंबर 4 था काउंटिंग मेज़र का, जो सिग्मा फाइनाइट मेज़र नहीं था अभी हमने देखा था, पर दिस इज़ ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ए मेज़र विच इज़ ए सेमी फाइनाइट मेज़र। याद रखिए ये सिग्मा फाइनाइट मेज़र नहीं था, परंतु यह एक एग्जांपल है सेमी फाइनाइट मेज़र का। काउंटिंग मेज़र is an example of a measure which is semi-finite. चेक कर सकते हैं आप, कोई इस मेज़र स्पेस में कोई सेट लीजिए ऑफ इनफाइनाइट मेज़र, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n is an infinite set. So its counting measure will be infinity. Now this set capital N will contain a set of arbitrarily large measure. N के भीतर आप जितने बड़े से बड़े measure का set प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर पाएंगे। यदि N में आप 100 measure का कोई set बनाना चाहें तो वो set होगा 1, 2, 3 up to 100। Similarly आप जितने बड़े से बड़े measure का set प्राप्त करना चाहें इस एन के भीतर आप प्राप्त कर सकते हैं। सो और भी कोई दूसरा मेजरेबल सबसेट जिसका इनफाइनाइट मेज़र हो इस एग्जांपल में लेकर भी ये चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ ए सेमी फाइनाइट मेज़र। रिमेंबर अगेन दिस इज़ ए मेज़र विच इज़ नॉट सिग्मा फाइनाइट बट सेमी फाइनाइट। Now see example number 6 and 7. These are measures which are not semi-finite. ये measures हुए जो semi-finite नहीं हैं। Example number 6 देखिए, इसमें आप देखिए कि mu e 0 या infinity है। अब infinity measure वाला कोई भी set लेते हैं, उसके भीतर कोई सेट कंटेंट अगर है तो उसका जो मेज़र होगा वो 0 या इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि यही तो दो वैल्यूज़ हैं म्यू की। तो हम 0 से बड़ा मेज़र वाला कोई भी सेट किसी इन्फाइनाइट मेज़र वाले सेट में प्राप्त नहीं कर सकते। इसके भीतर इन्फाइनाइट मेज़र वाले सेट के भीतर हम 0 से बड़ा मेज़र का कोई सेट जब है ही नहीं, म्यू ई की वैल्यू 0 के अलावा कोई है ही नहीं, तो हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है जो सेमी फाइनाइट नहीं है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 7, इसमें भी म्यू ई की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी है, तो हम इनफाइनाइट मेज़र वाले सेट के भीतर, यहाँ इनफाइनाइट मेज़र वाला सेट तो एक ही है x itself, और उसके भीतर
जो सेट कंटेंट है मेजरेबल सबसेट कंटेंट है, मेजरेबल सेट जो इसके एक्स के भीतर कंटेंट होगा वो फाई है जिसका मेज़र जीरो है, यानी जीरो से बड़े मेज़र वाला सेट एक्स के भीतर कंटेंट नहीं होगा। इसलिए ये भी एग्जांपल एक ऐसा मेज़र का एग्जांपल है जो सेमी फाइनाइट नहीं है। कंप्लीट मेज़र स्पेस, व्हाट इज़ ए कंप्लीट मेज़र स्पेस? सी हियर, ए मेज़र स्पेस इज सेट टू बी कंप्लीट इफ ईच सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ मेजर जीरो इज मेजरेबल। यदि किसी मेजर स्पेस में जीरो मेजर वाले किसी सेट का प्रत्येक सबसेट भी मेजरेबल हो तो हम उस मेजर स्पेस को कंप्लीट मेजर स्पेस कहेंगे। यहाँ ये याद रखिए कि कोई मेजरेबल सेट का प्रत्येक सबसेट मेजरेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। यदि किसी जीरो मेज़र वाले सेट का प्रत्येक सबसेट भी मेजरेबल हो, यदि जीरो मेज़र वाले सेट के सारे सबसेट्स मेजरेबल हों तो उस मेज़र स्पेस को हम कंप्लीट मेज़र स्पेस कहेंगे। यहाँ ऐसा भी देखिए, ए मेजरेबल स्पेस एक्स राउंडेड बी म्यू इज सेड टू बी कंप्लीट इफ फॉर एनी बी बिलोंगिंग टू राउंडेड बी एंड ए सबसेट बी इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू राउंडेड बी। यदि बी राउंडेड बी का कोई मेंबर है, यानी बी एक मेजरेबल सेट हुआ इस स्पेस में, और ए यदि बी का सबसेट है तब ए को भी राउंडेड बी का मेंबर होना चाहिए, यानी ए भी एक मेजरेबल सेट होना चाहिए। तो ये था एक कंप्लीट मेजर स्पेस। और हमने शुरुआत में ही ये देख रखा है कि लेबेग मेज़र के साथ ये प्रॉपर्टी है जो हमने अंडरलाइन किया था, बताया था कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेबेग मेज़र की, कि यदि किसी सेट का लेबेग मेज़र ज़ीरो है तो वह मेज़रेबल होगा, और ऐसे सेट जिसका मेज़र ज़ीरो है उसके सारे सबसेट्स भी मेज़रेबल होंगे। यानी जो पहला एग्जांपल हमने लिया था मेज़र स्पेस का R राउंडेड M, वो एक कंप्लीट मेज़र स्पेस का एग्जांपल हुआ। लोकली मेज़रेबल सेट, लेट X राउंडेड बी म्यू बी ए मेज़र स्पेस, ए सबसेट E ऑफ X इज सेट टू बी अ लोकली मेज़रेबल सेट इफ E इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू राउंडेड B फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू राउंडेड B। कोई मेज़र स्पेस में E कोई सबसेट लें X का, यह लोकली मेज़रेबल होगा यदि E का किसी मेज़रेबल सेट B के साथ इंटरसेक्शन एक मेज़रेबल सेट मिलता हो। याद रखिए, मेज़रेबल सेट हम इस मेज़र स्पेस में ऐसे सेट्स को कहते हैं जो राउंडेड बी के मेंबर हों। राउंडेड बी जो एक सिग्मा अलजेब्रा था एक्स के सबसेट्स का, राउंडेड बी में जो मेंबर्स हैं वो मेज़रेबल होंगे। अब हमने यहाँ लोकली मेज़रेबल सेट एक नई बात रखी है। यहाँ कहा गया है कि एक्स का कोई सबसेट ई लोकली मेज़रेबल होगा यदि ई का किसी मेज़रेबल सेट के साथ इंटरसेक्शन एक मेज़रेबल सेट मिलता हो। ई इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू राउंडेड बी फॉर ऑल बी इन राउंडेड बी। आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक मेज़रेबल सेट लोकली मेज़रेबल भी होगा। मान लीजिए ई कोई मेज़रेबल सेट है,
तो वह लोकली मेजरेबल भी होगा। आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए ई एक मेजरेबल सेट है, यानी ई राउंडेड बी का मेंबर हुआ। अब ई को लोकली मेजरेबल दिखाने के लिए कोई बी का राउंडेड बी का कोई मेंबर बी ले लीजिए, तो ई इंटरसेक्शन बी भी राउंडेड बी का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ई और बी दोनों राउंडेड बी के मेंबर हुए, और राउंडेड बी में दो सेट्स का यूनियन भी, माफ़ कीजिए, दो सेट्स ई और बी का इंटरसेक्शन भी राउंडेड बी का ही मेंबर होगा। राउंडेड बी यहाँ एक सिग्मा अलजेब्रा है, तो हमने दिखा दिया कि ई इंटरसेक्शन बी राउंडेड बी का ही मेंबर है फॉर ऑल बी इन राउंडेड बी, देयरफॉर ई विल बी लोकली मेजरेबल, हेंस एवरी मेजरेबल सेट इज लोकली मेजरेबल। एंड द सेकेंड नोट इज राउंडेड बी is contained in rounded C, where rounded C denotes the sigma algebra of all locally measurable sets. Rounded B is contained in rounded C. Rounded B सारे measurable sets का एक sigma algebra है, और rounded C is the sigma algebra of all locally measurable sets, तब rounded B rounded C में content होगा। Saturated measure, a measure is said to be saturated if every locally measurable set is measurable. अभी हमने locally measurable set के definition के बाद ये देखा था कि कोई set जो measurable है वो लोकली मेजरेबल भी होगा, परंतु सारे लोकली मेजरेबल सेट्स ज़रूरी नहीं हैं कि मेजरेबल भी हों। यदि ऐसा होता है किसी मेजर स्पेस में कि सारे लोकली मेजरेबल सेट्स मेजरेबल भी हों, यदि प्रत्येक लोकली मेजरेबल सेट एक मेजरेबल सेट भी है, तो इस मेज़र को हम सैचुरेटेड मेज़र कहेंगे। मेज़र्स पर कुछ रिजल्ट यहाँ देखिए। प्रपोजिशन वन, मान लीजिए एक्स राउंडेड बी म्यू एक मेजर स्पेस है, और ए बी राउंडेड बी के दो मेंबर्स हैं, सच दैट ए सबसेट बी, देन म्यू ए लेस देन आर इक्वल टू म्यू बी इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू राउंडेड बी विथ म्यू with a subset b, then mu a less than or equal to mu b. Proposition 2, let x rounded b mu be a measure space and ei belongs to rounded b, mu e1 less than infinity, ei superset ei plus 1. यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, सुधारिए। म्यू ए लेस देन इन्फिनिटी लिखा है, उसके जगह में म्यू ई वन लेस देन इन्फिनिटी, और ई आई सबसेट ई आई प्लस वन लिखा है, उसकी जगह सुधारिए ई आई सुपर सेट ई आई प्लस वन। तो फिर से, लेट ई आई बिलोंग्स टू राउंडेड बी, म्यू ई वन लेस देन इन्फिनिटी एंड ई आई इज सुपर सेट ऑफ ई आई प्लस वन, देन म्यू intersection ei I from 1 to infinity is equal to limit n tends to infinity mu en. Proposition 3, let x rounded b mu be a measure space and ei belongs to rounded b, then mu union ei I from 1 to infinity is less than or equal to समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू ई आई। याद रखिए, यहाँ पर ई आई मेजरेबल सेट्स का कोई कलेक्शन है, जो ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, और तब इनके यूनियन का मेज़र इनके अलग अलग मेज़र्स के सम से छोटा या बराबर होगा। प्रपोजिशन नंबर 4, लेट एक्स राउंडेड बी म्यू बी ए मेजर स्पेस,
then we can find a complete measure space X rounded B0 mu0 such that 1 rounded B subset rounded B0, 2 E belonging to rounded B implies mu E is equal to mu 0 E, 3 E belonging to rounded B0 implies and implied by E is equal to A union B, where B belonging to rounded B and A subset C, where C belonging to rounded B with mu C is equal to 0. प्रोपोजिशन वन को देखिए, यदि ए और बी राउंडेड बी के दो मेंबर्स हैं जहां ए बी का सबसेट है, तब म्यू ए लेस देन आर इक्वल टू म्यू बी। इसका प्रूफ बेहद आसान है। यहां ए और बी दो मेजरेबल सेट्स दिए गए हैं सच दैट ए सबसेट बी, यानि बी ए का सुपर सेट है, या कहें ए के सारे मेंबर्स बी में हैं, तब यह जो सेट बी है इसके मेंबर्स वे होंगे जो या तो ए में हैं या ए के बाहर हैं। और तब हम बी को लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए, बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए। यहाँ ए और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट्स हैं और इसलिए म्यू बी, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू ए यूनियन बी माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए बाई काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ म्यू। यहाँ देखिए म्यू बी यूनियन बी माइनस, माफ कीजिए, म्यू ए यूनियन बी माइनस ए म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए के बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों सेट्स ए और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन फाई हैं, तो इनके यूनियन का मेज़र इनके अलग अलग मेज़र के सम के बराबर होगा। तो हमें मिल गया म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए। अब राइट हैंड साइड में म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए है, यहाँ जो सेकेंड एंट्री है म्यू बी माइनस ए डेफिनेटली इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, नॉन निगेटिविटी ऑफ मेजर, म्यू ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ई बिलोंगिंग टू राउंडेड बी, देयर फोर म्यू बी माइनस ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड देयर फोर म्यू ए प्लस म्यू बी माइनस ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। हेंस वी गेट म्यू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू ए और म्यू ए लेस देन आर इक्वल टू mu b. This proves the required result. आइए अब हम proposition 2 ले लें। Proposition 2 states that if ei belongs to rounded b with mu e1 less than infinity and ei is superset of ei plus 1 for each I, then mu intersection ei is equal to limit n tends to infinity mu en. Let us prove this result. Here we are given that X rounded B mu is a measure space and EI is a sequence of measurable sets in this measure space. Mu E1 is less than infinity and each EI is superset of EI plus 1. We have to show that mu intersection EI is equal to limit n tends to infinity mu EN. इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम assume कर लें intersection of EI, I from 1 to infinity as the set E.
we construct this set, intersection of all these EIs is equal to E. Note that here EI is superset of EI plus 1 for each I. Therefore, E1 is superset of E2, E2 is superset of E3, E3 is superset of E4, and so on. Thus, we can write the set E1 as E union E1 minus E2 union E2 minus E3 union E3 minus E4 and so on. Remember that E1 ke bhitar E2 hai, E2 ke bhitar E3 hai, E3 ke bhitar E4 hai and so on. Aur in subsets ka intersection yani in sab ke bhitar E hai. To E1 ke जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? कुछ मेंबर्स E1 माइनस E2 में होंगे, कुछ E2 माइनस E3 में होंगे, कुछ E3 माइनस E4 में होंगे एंड सो ऑन. और जो इनमें नहीं होंगे वो इन सब के इंटरसेक्शन E में होंगे. यानी सेट E को हम लिख सकते हैं, माफ कीजिए, सेट E1 को हम लिख सकते हैं E यूनियन यूनियन I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी EI माइनस EI प्लस 1. सी अगेन, E1 इज इक्वल टू E यूनियन काउंटेबल यूनियन ऑफ EI minus EI plus 1. And this union is disjoint union. So, mu E1 will be mu E union union EI minus EI plus 1, giving you mu E plus mu union of EI minus EI plus 1. That means mu E plus summation I from 1 to infinity mu EI minus EI plus 1. Here we use the countable additivity of the measure mu. So we get mu E1 is equal to mu E plus summation I from 1 to infinity mu EI minus EI plus 1. हम इसे equation number 1 दे देते हैं. आइए अब हम देखें, चूंकि EI EI plus 1 का सुपरसेट है तो हम EI को लिख सकते हैं EI इज इक्वल टू EI प्लस 1 यूनियन EI माइनस EI प्लस 1. EI सुपरसेट है EI प्लस 1 का. तो EI के जो मेंबर्स हैं या तो EI प्लस 1 में होंगे या EI माइनस EI प्लस 1 में होंगे. और ये दोनों सेट्स EI प्लस 1 और EI माइनस EI प्लस 1 ये डिसजॉइंट भी होंगे. फिर से चेक करिए, EI सुपर सेट है EI प्लस 1 का. सो वी कैन राइट EI इज इक्वल टू EI प्लस 1 यूनियन EI माइनस EI प्लस 1. देयरफॉर mu EI इज इक्वल टू mu EI प्लस 1 यूनियन EI माइनस EI प्लस 1.
अब राइट हैंड साइड में देखिए, ई आई प्लस वन यूनियन ई आई माइनस ई आई प्लस वन, इसके इसका जो मेज़र होगा इन दोनों सेट्स के यूनियन का मेज़र इनके अलग अलग मेज़र के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट्स ई आई प्लस वन और ई आई माइनस ई आई प्लस वन रिजॉइंट सेट्स हैं। तो हमें राइट हैंड साइड में मिल गया म्यू ई आई प्लस वन प्लस म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन। तो हमें मिल गया म्यू ई आई इज इक्वल टू म्यू ई आई प्लस वन प्लस म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन। राइट हैंड साइड से ई आई प्लस वन म्यू ई आई प्लस वन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए और हमें मिल गया म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन इज इक्वल टू म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन। यानी हमें मिल गया म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन इज इक्वल टू म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। फिर से चेक करें, हमें मिल गया म्यू ऑफ ई आई माइनस ई आई प्लस वन इज इक्वल टू म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। इसे दो नंबर इक्वेशन दीजिए। आइए वन और टू को कंबाइन करें। टू नंबर स्टेटमेंट में हमने ये देखा है कि म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन इज इक्वल टू म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। इस वैल्यू को वन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वन के राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में था म्यू ई प्लस समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन। तो ये राइट हैंड साइड में ये जो समेशन के अंदर म्यू ई आई माइनस ई आई प्लस वन है, इसको नंबर दो से रिप्लेस करिए म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन में, और इसलिए वन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस रूप में म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई प्लस समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। अब ये जो राइट हैंड साइड में जो सम है, इसे हम चेंज कर दें लिमिट के फॉर्म में। यहाँ है समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, इसे हम लिख दें आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन और लिमिट ले लें। यानी ये जो सम है समेशन आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। तो ये हमारा इक्वेशन ये मिल गया म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन। अब इस सम को देखिए, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन माइनस वन म्यू ई आई माइनस म्यू ई आई प्लस वन, आई के वैल्यूज वन रखेंगे मिलेगा म्यू ई वन माइनस म्यू ई टू, टू रखेंगे मिलेगा म्यू ई टू माइनस म्यू ई थ्री, थ्री रखेंगे आई की वैल्यू म्यू ई थ्री माइनस ई फोर, म्यू ई थ्री माइनस म्यू ई फोर। एंड सिमिलरली एट द लास्ट हम अगर एन माइनस वन रखते हैं आई की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा म्यू ई एन माइनस वन माइनस म्यू ई एन। इन सबको जोड़िए तो म्यू ई वन पहला टर्म बचेगा और लास्ट में म्यू ई एन, बीच के सारे कैंसल आउट होंगे और ये सम बन जाएगा म्यू ई वन माइनस म्यू ई एन में। यानी हमें मिल गया म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई वन माइनस म्यू ई एन।
यानी हमें मिल गया म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू ई वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई एन. फिर से देखिए हमें यहाँ मिल जा रहा है इस सिंपल कैलकुलेशन के बाद म्यू ई वन इज इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू ई वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई एन. लेफ्ट हैंड साइड में भी म्यू ई वन है, राइट हैंड साइड में भी म्यू ई वन है, और यहाँ हमने शुरू में ही एज्यूम किया है कि म्यू ई वन इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ये स्टेटमेंट में ही दिया गया है. तो इन्हें कैंसिल आउट करिए, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करके इसको फिर से लिखिए, हमें मिल गया ज़ीरो इज़ इक्वल टू म्यू ई माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई एन, एंड सो वी गेट म्यू ई इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई एन. हियर ई इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज, सो वी गेट म्यू ई मीन्स म्यू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी म्यू ई एन. दिस प्रूव्स द required result. Proposition 3 states that if EI belongs to rounded B, then mu union EI less than or equal to summation I from 1 to infinity mu EI. We shall prove this proposition also. Here, given that in a measure space X rounded B mu, EI is a countable collection of measurable sets in this measure space. We shall show that mu union EI less than or equal to summation mu EI. For this, we consider the set GN, where Gn is equal to En minus union Ei I from 1 to n minus 1. Remember that the set Gn is the set En minus union Ei's I from 1 to n minus 1. We see two things. All these Gn, G1, G2, G3, this is a countable collection of mutually disjoint sets, and Gn is subset of En for each n. And so by proposition 1, Gn subset En implies mu Gn less than or equal to mu en for each n, and this gives summation n from 1 to infinity mu gn less than or equal to summation mu en. Summation mu gn less than or equal to summation mu en. Isse hum equation number 1 de dete hain. Also, by construction of these Gn, which are subsets of En, we get union Gn is equal to union En. Union Gn, n from 1 to infinity, is equal to union En from 1 to infinity. Now, since Gn are mutually disjoint sets, so by countable additivity of the measure mu, we get mu union Gn is equal to summation mu Gn, or we can write summation mu Gn is equal to mu union Gn, but union Gn is union En, so we get mu union En
That means we get summation mu gn is equal to mu union en, or we can say mu union ei, I from 1 to infinity. Give it number 2. Now, what you do? You combine 1 and 2. See, from 2 we have mu union en from 1 to infinity is equal to summation mu gn, and from 1, using 1, this is less than or equal to summation mu en. So we get mu union en is less than or equal to summation mu en, or we can say mu union ei is less than or equal to summation mu ei. This proves the required result. Finally, we see the proposition 4. Proposition 4 states that if X rounded B mu is a measure space, then we can find a complete measure space X rounded B0 mu 0 such that 1. Rounded B is a subset of rounded B0. 2. If E belonging to rounded B, then mu E is equal to mu 0 E. 3. E belonging to rounded B0 implies and implied by E is equal to A union B, where B belonging to rounded B, and A subset C, where C belonging to rounded B, and mu C is equal to 0. We see that rounded B0 is a superset of rounded B, and mu 0 is the extension of mu over this superset rounded B0. Mu 0 is extension of mu, and it will be a measure on X rounded B0. We can check that. Also, by these conditions, particularly condition number 3, we can check that this measure space X rounded B0 mu 0 is complete. In order to do that, you have to show that every subset of a set of measure 0 is in rounded B0. This complete measure space X rounded B0 mu 0 is called completion of the space X rounded B mu. The space X rounded B0 mu 0 is completion of the space X rounded B mu. तो फ्रेंड्स, हमने लेबेग मेजरेबिलिटी और लेबेग मेजर को जनरलाइज किया और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेजर स्पेस इंट्रोड्यूस किया. इस कंस्ट्रक्शन के बाद आगे हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेजर स्पेस में लेबेग मेजरेबल फंक्शन के भांति मेजरेबल फंक्शन और लेबेग इंटीग्रल के ही जैसा हम एब्स्ट्रैक्ट इंटीग्रल डिफाइन करेंगे. ये सब हम आगे किसी और वीडियो में देखेंगे. साथ ही हम साइंड मेजर भी डिफाइन करने वाले हैं. साइंड मेजर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेजर स्पेस में. तो चलिए, ये सब हम आगे के किसी वीडियो में बात करेंगे. आप देखते रहिए ये वीडियो सीरीज.